वेलकम टू न्यू लेसन। तो कल के लेसन में हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे, तो आप यहाँ देख सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको ऐड करके दिखाए थे यहाँ पे, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हो, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ से क्लिक करोगे तो आप यहाँ से मीडियम है और ऐड टू कार्ट करके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। ठीक है, देख रहे हो आप शिपिंग और टोटल टैक्स वैक्स लगा के सब आ रहा है, यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो। हम ये हटा देंगे यहाँ पे, ये जो आ रहा है आपका, इसको हम चेंज कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपने पेजेस डिजाइन करने हैं। एक हमें डिजाइन करना है अपना होम पेज, देन हमें ये जो हमारे कैटेगरी पेजेस हैं, जैसे मेन वाला मेन पेज मैंने बनाया हुआ है ये चेंज करना है, देन ये विमेन वाला जो पेज मैंने बनाया हुआ है इसको मुझे डिजाइन करना है। तो ये सारी चीजें मुझे डिजाइन करनी है, बट सबसे पहले मैं जो चीज डिजाइन करूंगा वो है मेरा होम पेज। ठीक है जी, तो चलिए होम पेज डिजाइन करते हैं और धीरे धीरे हम बाकी चीजें भी डिजाइन करेंगे। तो मैं पेजेस में आता हूं और ऐड न्यू करता हूं और इसका मैं नाम लिख देता हूं होम पेज न्यू, राइट, और इसको मैं कर देता हूं पब्लिश और पब्लिश, और यहां जो मेन है इसको मैं यहां पे कर देता हूं 100% फुल विड्थ, और इसको मैं कर देता हूं यहां से अपडेट। ठीक है जी, अब इसको मैं करता हूं, एक बार इस पेज को यहां से देख लेते हैं। ठीक है, अब इसे करता हूं एडिट विद एलिमेंटर, तो करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। अब देखिए, मैं अपने होम पेज को मल्टीपल तरीके से डिजाइन कर सकता हूं। मैं चाहूं तो स्लाइडर लगा सकता हूं, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्लाइडर्स, बट मैं आपको सिखा चुका हूं कि आप स्लाइडर कैसे लगा सकते हो। तो इन केस अगर आप स्लाइडर लगाना चाहते हो तो हमने जो सीखा है उस तरीके से आप स्लाइडर लगा सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं नॉर्मल तरीका ही प्रेफर करता हूं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्लाइडर्स, काफी वेबसाइट स्लो हो जाती है स्लाइडर से, तो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक नया सेक्शन। तो हम करते हैं ऐड न्यू सेक्शन और यहाँ से लेते हैं कंप्लीट सेक्शन, और यहाँ पे अब हमें यहाँ एक हम अब बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे, राइट, बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज लगाएंगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ pexels.com पे, और आप चाहो तो एक अपना पेज अपना इमेज एक डिजाइन भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल एक इमेज लगा देता हूँ बैकग्राउंड में, तो ये इमेज ले लेते हैं और यहाँ जाते हैं और लार्ज, और इसको कर लेते हैं फ्री डाउनलोड, काम करते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं कोई और अच्छी इमेज अगर मिल जाए, नहीं तो हम अपनी भी डिजाइन कर सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो इमेज थी ये काफी विमेन सेंट्रिक थी, राइट, इसीलिए इससे ये लग सकता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जस्ट फॉर विमेन है, राइट, इसलिए मैंने इसे मैं प्रेफर नहीं कर रहा। तो इसको इसको भी रहने देते हैं, सर्च करता हूँ शॉपिंग, ये नहीं है, और देखते हैं कोई अच्छी इमेज। नहीं, ये कुछ
गिफ्टिंग टाइप लग रहा है, तो थोड़ा सा और सर्च करते हैं जी। ओके तो कुछ अच्छा मिल नहीं रहा यहाँ से मेरे को, तो एक काम करते हैं वही जो डाउनलोड की है, एक जो फीमेल थी जिसके अंदर, उसी इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस और सेक्शन को क्लिक करता हूँ, स्टाइल पे जाता हूँ, बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक आ रहा है तो हमें क्लासिक पे जाना है। देन यहाँ से इमेज आ रहा है तो चूज इमेज और अपलोड फाइल और देन सेलेक्ट फाइल और यहाँ से जाते हैं डाउनलोड में और यहाँ से मैं ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको कर देते हैं इंसर्ट और अभी देखो काफ़ी ये इमेज कट रही है, तो मैं आता हूँ लेआउट पे और हाइट को मैं कर देता हूँ फिट टू स्क्रीन। अब देखो काफ़ी इमेज बड़ी हो गई, तो अब एक काम करते हैं इसको क्लिक करते हैं और स्टाइल पे जाते हैं और पोजीशन जो है इसको हम कर देते हैं सेंटर सेंटर। ठीक है, या फिर एक और काम करते हैं टॉप लेफ्ट करके देखो, नहीं टॉप लेफ्ट सही नहीं है, टॉप सेंटर भी सही नहीं है, टॉप राइट इज़ नॉट गुड, सेंटर लेफ्ट सही नहीं है, सेंटर सेंटर इज़ गुड, रिपीट को मेक श्योर कि ये है अनरिपीट, साइज को कर दो कवर, अब सही आ गया राइट, साइज को कर दिया कवर। अब इस इमेज को थोड़ा सा क्लिक करो और बैकग्राउंड ओवरले है ना, बैकग्राउंड ओवरले, और यहाँ से जाके हम इसको थोड़ा ओवरले दे देते हैं ताकि हम अपना कंटेंट सही से लिख सकें राइट। तो इधर मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ और ये रही मेरी इमेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं उठाता हूँ हेडिंग और यहाँ पे मैं डालता हूँ हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंटेंट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं गेट द लुक यू डिजर्व, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बेस्ट क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज एट योर फिंगर प्रिंट, नो सॉरी एट योर फिंगर टिप्स नॉट फिंगर प्रिंट्स एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, और इसको करते हैं सेंटर और जाते हैं स्टाइल पे और टाइपोग्राफी पे जाते हैं और इसको करते हैं मिलीटो और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ जाते हैं कलर पे और इसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, ठीक है जी, और आप चाहो तो बैकग्राउंड का ओवरले थोड़ा और बढ़ा दो, ये जो ओवरले था हमारा इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब कर दिया बेस्ट क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज एट योर फिंगर टिप्स और वापस जाते हैं। अब इसके नीचे हम दो बटन्स डालते हैं राइट, तो यहां से उठाओ बटन और यहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है जी, एक काम करो इधर एक हम पहले डालते हैं इनर सेक्शन, इसके नीचे इनर सेक्शन, ये दो डाल गए और इस पे करते हैं एक बटन यहाँ और यहाँ पे हम लिखते हैं शॉप मेन प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको कर देते हैं लेफ्ट और
एक और यहाँ पे बटन लेते हैं और इसको डालते हैं इधर, और इसको लिख देते हैं शॉप विमेन प्रोडक्ट, ठीक है परफेक्ट। और इसको हम हटा देते हैं, इसे कर देते हैं अपडेट, और वापस जाओ, एग्जिट टू डैशबोर्ड करो। इसको यहां से अपडेट करो और यहां से पेज जाके देखो, मेरा पेज, ठीक है। अब ये शॉप मेन प्रोडक्ट्स है ना, तो जब कोई इस पे क्लिक करे तो ये मेन वाला सेक्शन खुल जाए, कोई इस पे क्लिक करे तो ये विमेन वाला सेक्शन खुल जाए। तो अगर अभी अभी ये मेन वाला सेक्शन ये है हमारा, और ऐसे ही मैं अगर विमेन पे जाऊं तो ये है हमारा विमेन वाला सेक्शन। तो अब इसको करते हैं एडिट विद एलिमेंटर, और ये मेन वाले सेक्शन का लिंक लेते हैं और मेन प्रोडक्ट्स को क्लिक करते हैं और यहाँ लिंक में इसको डाल देते हैं, और विमेन वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं अपडेट, और यहाँ से इसको फिर हम करते हैं आप प्रीव्यू, ठीक है। और इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये खुल रहा है, वापस जाते हैं, इसको अगर क्लिक करूँ तो विमेन वाला खुल रहा है, राइट। अब देख लेते हैं कि ये जो हमने बनाया है ये फोन पे कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिस्पॉन्सिव मोड का ऑप्शन है, इसे क्लिक करो, अब आपके पास आ जाएगा मोबाइल का ऑप्शन, राइट, मोबाइल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ देखो ये मोबाइल पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इमेज अच्छी नहीं दिख रही, ठीक है। तो इस इमेज को क्लिक करो और टेक्स्ट को क्लिक करो, यहाँ जाओ और इसको थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा कर दो, है ना। अभी देखो इन दोनों की अलाइनमेंट भी सही नहीं है, तो इस बटन को क्लिक करो और यहाँ से इसको कर दो सेंटर, और इस बटन को भी क्लिक करो और यहाँ भी इसको कर दो सेंटर, ठीक है। अब देखो दोनों सेंटर में आ गए, परफेक्ट है, और यहाँ से इसको कर दो अपडेट, और यहाँ जाओ रिस्पॉन्सिव मोड में और देख लो डेस्कटॉप पे सही है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, डेस्कटॉप पे एकदम परफेक्ट है, और हमने इसको फोन के हिसाब से भी चेंज कर दिया, ठीक है, फोन के हिसाब से भी चेंज हो चुका है और डेस्कटॉप के हिसाब से भी हम इसे चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ कर सकते हो, देखो अभी अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊं तो ये बटन काफी अच्छे लग रहे हैं, है ना, बट अगर मैं यहाँ पे मोबाइल पे जाऊं तो ये बटन उतने अच्छे नहीं लग रहे, राइट। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं वापस जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और ये जो सेक्शन है, ये जो मेरा सेक्शन है, इसको मैं मोबाइल पे कर देता हूँ हाइड, ठीक है। पहले एक काम करो, ये जो सेक्शन है इसको यहाँ से राइट क्लिक करो, पहले तो एक काम करो, पहले यहाँ पे एक सेक्शन बनाओ नया, एक नया सेक्शन बनाओ, ठीक है, और ये जो सेक्शन है इसको करो कॉपी, यहाँ से डुप्लीकेट, और इसको उठा के डाल दो इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, डल गया। अब वापस आओ इस सेक्शन पे, यहां से इसको क्लिक करो, यहां जाओ एडवांस में, रिस्पॉन्सिव में, और इसको मोबाइल पे कर दो हाइड, ठीक है, मोबाइल पे कर दो हाइड, और इसको कर दो रिफ्रेश, और ये वाला जो सेक्शन है इसको यहां क्लिक करो, एडवांस पे जाओ, रिस्पॉन्सिव पे जाओ, और इसको हाइड कर दो डेस्कटॉप पे और टैबलेट पे, इन दोनों पे हाइड कर दो। अब करो इसको अपडेट, अब यहां से जाके करो इसको प्रीव्यू, ठीक है। अब यहां पे इसे एक बार क्लिक करो रिस्पॉन्सिव पे और जाके देखो मोबाइल पे, अब देखो मोबाइल पे बटन यहां पे नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं नजर। अब एक काम करो, इसको जाके यहां पे प्रीव्यू करो दोबारा, और इसको राइट क्लिक करके इसको करो इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट किया, और यहां से इसको करो रिफ्रेश। अब देखो अभी नीचे नजर आ रहे हैं, बट ऊपर का ये फॉन्ट बड़ा नजर आ रहा है, अब ये बटन थोड़े सही नजर आ रहे हैं,
राइट, बट ये टेक्स्ट सही नजर नहीं आ रहा, तो इसको यहां से करो क्लोज और वापस आओ और रिस्पॉन्सिव मोड पे जाओ और ये जो फॉन्ट है हमारा इसको थोड़ा सा कर दो छोटा और यहां से करो अपडेट और वापस जाओ और कर दो एग्जिट टू डैशबोर्ड। और यहां से इसको कर लो प्रीमियम, ठीक है, सही है, परफेक्ट। अब राइट क्लिक करके कर लो इंस्पेक्ट और इसको एक बार रिफ्रेश करो। अब देखो ये फॉन्ट काफी छोटा हो गया, छोटा हो गया ना, काफी ज्यादा छोटा हो गया। एक काम करो, इसको करो क्लोज और इसको करो एडिट विद एलिमेंटर। आपको बार बार देख के चेंजेस करने पड़ेंगे कि क्या फोन पे सही नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। तो अगर आपको इंस्पेक्ट नहीं करना बार बार, तो आप एक काम कर सकते हो, ये URL अपने फोन पे खोल सकते हो, ठीक है। अब यहां जाओ, वापस जाओ मोबाइल पे और इसको यहां से क्लिक करो और स्टाइल पे जाओ, इसको करो एडिट सेक्शन और बैकग्राउंड में हमारा इमेज है, एक सेकेंड, हम वापस आते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब इसको करते हैं एडिट सेक्शन, अब वापस आ जाओ मोबाइल पे। अब मोबाइल पे देखो इमेज का ऑप्शन आ रहा है, चूज इमेज, तो अब मोबाइल के लिए दोबारा इमेज चूज करो, सेम इमेज चूज करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं, राइट। अभी देखो ये पोजीशन बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वही आ रहा है, तो इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, दिस इज जस्ट फॉर मोबाइल। अब आ जाओ लेआउट पे और हाइट जो है इसको कर दो मिनिमम हाइट। अब देखो ये बड़ा नजर आ रहा है, चाहो तो यहां से हाइट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट, और इसे कर सकते हो यहां से अपडेट। और एक काम और कर सकते हो वैसे, राइट, जो बेटर तरीका होता करने का वो देखो क्या होता, वापस आओ। अब जैसे आप यहाँ होगे ना, देखो यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, हिस्ट्री, तो जो भी आपने पास्ट चेंजेस किए हैं उसको आप अनडू भी कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने 1 मिनट पहले चेंज किया था, 2 मिनट पहले चेंज किया था, तो मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, 2 मिनट पहले जो चेंज किया था मैं उस पर चला जाता हूँ। देखो अभी आ गया मैं, राइट, और पहले मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अब देखो मैं करता क्या हूं, बहुत ही सिंपल मैं काम करता हूं, इसको यहां से उड़ा देता हूं पहले तो, और एक बार इसको देख लेते हैं वापस एडवांस में जाके रिस्पॉन्सिव में क्या था, और इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, सब पे दिखा देते हैं इसको, कहीं हाइड नहीं करते। अब देखो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, एक बार रुक जाओ, ये रिफ्रेश कर देते हैं। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, वेबसाइट बनाना इतना आसान काम है, अगर आप थोड़ा सा सही से अपने आप को अप्लाई करोगे, अगर ये वीडियोस को जो भी मैं बना रहा हूँ आप ध्यान से देखोगे, आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, बिलीव मी ऑन दिस, बहुत ही ज्यादा अच्छी। अब एक बार ये रिफ्रेश हुआ है, अपडेट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये जो मेरा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सेक्शन है डेस्कटॉप के लिए, जो कि डेस्कटॉप पे काफी बढ़िया दिख रहा है मेरा सेक्शन, राइट। तो मैं वापस आता हूँ और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेक्शन के ऊपर और मैं जाता हूँ एडवांस पे, मैं जाता हूँ रिस्पॉन्सिव पे और इस सेक्शन में मोबाइल पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो सेक्शन मैंने बनाया है ये मोबाइल पे नजर नहीं आएगा और इसे मैं करता हूँ अपडेट, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ प्रीव्यू, ठीक है, ये सेक्शन है एकदम परफेक्ट दिख रहा है। अब इसे करो इंस्पेक्ट, अब देखो मोबाइल पे कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो सेक्शन मोबाइल से हाइड कर रखा है मैंने। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस आता हूं यहां पे, ठीक है, और इसी सेक्शन को यहां से मैं क्लिक करके करता हूं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ठीक है। अब ऊपर वाला सेक्शन कहां दिख रहा है, डेस्कटॉप के ऊपर और टैबलेट के ऊपर, और नीचे वाले सेक्शन को मैं एडिट करता हूं, एडिट सेक्शन, और मैं जाता हूं एडवांस पे, रिस्पॉन्सिव पे, और इसको मैं कर देता हूं शो ऑन मोबाइल और हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट, और इसको मैं कर देता हूं अपडेट।
ठीक है। और यहां से अब रिस्पॉन्सिव मोड से हम जाते हैं मोबाइल, पहले सेक्शन को कुछ नहीं करना, अब आ जाओ दूसरे पे, यहां से इसको राइट क्लिक करो, इसको करो एडिट सेक्शन, यहां से जाओ स्टाइल पे, और जो पोजीशन है अब इसको यहां से चेंज करते रहो, यहां से चेंज कर दो, लेआउट पे जाओ और ये जो है इसको कर दो मिनिमम हाइट, ठीक है। और यहां से फॉन्ट पे जाओ, स्टाइल पे जाओ, टाइपोग्राफी पे जाओ और इसको कर दो थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब वापस यहां सेक्शन पे जाओ, इधर आपका लेआउट पे जाओ और देखो कंटेंट है कहीं, कॉलम पोजीशन को कर दो बॉटम, राइट। अब ये चीजें देखो सारी कहां गई, बॉटम में। अब देखो फोन पे कैसा दिख रहा है, पहले से दिख रहा है बेटर फोन पे, है ना, देख एकदम फोन के हिसाब से रिस्पॉन्सिव एकदम परफेक्ट, और डेस्कटॉप के हिसाब से ऊपर आ ही रहा था। और इसको कर दो यहाँ पे अपडेट, अब यहां जाके करो प्रीव्यू, देखो फोन पे डेस्कटॉप पे परफेक्ट है। और अगर इसको इंस्पेक्ट करोगे और इसको एक बार रिफ्रेश करोगे, अभी आ नहीं रहा, अभी फोन पे भी परफेक्ट आएगा, है ना, एक बार दोबारा कर दो, देखो सही आ रहा है। अभी एक बार हम कैशेस क्लीन करेंगे तो फोन पे भी सही आ जाएगा, राइट। और यहां से जाओ एग्जिट टू डैशबोर्ड, और यहां से कर दो अपडेट, और यहां से देख लो आपका व्यू पेज, ठीक है। अब इस पेज को पहले हम अपना होम पेज बनाते हैं, वो कैसे बनाओगे, तो आप जाओगे कस्टमाइज पे, ठीक है जी, कस्टमाइज पे गया और होम पेज सेटिंग्स पे गया और ये स्टैटिक पेज पे गया, और होम पेज मैंने सेलेक्ट कर दिया होम पेज न्यू, और इसको किया मैंने यहां से पब्लिश, और इसको मैंने यहां पे किया क्लोज, ठीक है, ये आ गया मेरा होम पेज। अब मैं काम करता हूं, ये जो फुटर नजर आ रहा है इसको मैं पहले बंद कर देता हूं, हटा देता हूं, ठीक है। वो कैसे हटाओगे, तो सिंपल यहां से इसको करो कस्टमाइज, मतलब फुटर के ऊपर का जो सेक्शन आ रहा है उसको मैं हटा देता हूं। तो अभी देखो ये पहला सेक्शन बना है, अभी ऐसे ही हमें और भी मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं अपने पेज के अंदर। अब मैं यहां थोड़ा सा नीचे आता हूं और फुटर बॉटम में आता हूं, नॉट फुटर बॉटम, आप अगर जाओगे फुटर विजेट्स, फुटर विजेट्स, और यहां से फुटर विजेट्स को कर दो डिसेबल, ठीक है। फुटर विजेट्स को कर दिया डिसेबल और इसको कर दिया मैंने पब्लिश और इसको कर दिया क्लोज, दिख रहा है। अब ये सेक्शन किया है मैंने ऐड पहला, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर, अब ये दो सेक्शन नजर आ रहे हैं, एक है आपका डेस्कटॉप का, एक है आपका फोन का, ठीक है। अब इसके नीचे मैं एक ऐड करता हूं सेक्शन, ये ऐड किया मैंने। अब मैं वापस जाता हूं, इस पे पहले मैं डालता हूं थोड़ा सा स्पेस, 30 का कर देते हैं स्पेस, या लेट्स मेक इट 40, स्पेस डाला, वापस जाते हैं, एक नया सेक्शन ऐड करते हैं और एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। अभी देखो हमारे में क्या क्या प्रोडक्ट थे, एक थे कुर्ताज एंड सूट्स, राइट, तो ये मैंने नया सेक्शन ऐड किया। अब मैं इसमें डालता हूं एक हेडिंग और यहां पे डालता हूं चेक आर लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ कुर्ताज एंड सूट्स,
ठीक है, और इसको करते हैं सेंटर, हम जाते हैं स्टाइल के अंदर, यहां से हम चेंज करते हैं टेक्स्ट का कलर, वापस आते हैं टाइपोग्राफी में, और यहां से हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये जो लेटेस्ट कलेक्शन है हमारे कुर्ताज एंड शर्ट्स की, वो डालनी है, राइट। अब देखो कितना इजी है डालना, कैसे डालोगे, एक नया सेक्शन ऐड करो, ठीक है, सेक्शन ऐड हो गया। अब यहाँ वापस आना है और यहाँ आपको नीचे आना है, ठीक है। आपको याद है हमने एक ये प्लग इन ऐड किया था, ये एडवांस एसेंशियल एड ऑन्स का, राइट। अब इसके अंदर देखो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, ये प्रोडक्ट ग्रिड, ये प्रोडक्ट ग्रिड, ये रहा। तो इस ये प्रोडक्ट ग्रिड को उठाओ और इसको यहाँ पे डाल दो, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे रीसेंट प्रोडक्ट्स है, आपको रीसेंट प्रोडक्ट से रखना है, और जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इसको यहां से आपको ले लेना है कुर्ताज एंड सूट्स। अब इसमें चाहो तो आप रीसेंट की जगह क्या ले सकते हो, रीसेंट की जगह फीचर्ड प्रोडक्ट। अभी हमने कोई फीचर्ड बनाया नहीं तो कोई दिखेगा नहीं, तो अभी हम इसको रीसेंट ही प्रोडक्ट ले लेते हैं, या टॉप रेटेड प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो जो भी लेना है आप यहां से ले सकते हो, लेट्स मेक इट रीसेंट। कॉलम चार है, आप इसको चाहो तो तीन कर सकते हो, तीन कर दिए, राइट, से हम तीन छोड़ देते हैं। और थोड़ा सा नीचे आओ, स्टाइल देखो, सिंपल स्टाइल है, आप इसको चाहो तो स्टाइल को चेंज कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन है, रिवील है, देन ओवरले स्टाइल है, राइट, तो अलग अलग है। देखो ओवरले में ये दो बटन से आगे बने हुए है ना, और तो हम इसको सिंपल स्टाइल करके छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे देखो बटन है, प्रोडक्ट्स काउंट है देखो चार, तो मैं इसे कर देता हूँ तीन, मतलब कितने प्रोडक्ट दिखे। अब एड टू कार्ट, हमारा यहाँ पे कलर आ रहा है ब्लैक, राइट। मैं अगर स्टाइल में जाऊं तो यहां से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, तो एड टू कार्ट बटन पे मैं गया तो ये देखो आ रहा है ब्लैक, तो मैं चाहूं तो इसको यहां से ग्रीन ग्रीन कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसा भी चाहूं मैं कर सकता हूँ। और होवर पे अगर मैं जाऊं तो होवर पे देखो ब्लैक आ रहा है, मैं चाहूं तो होवर पे से मैंने कर दिया ब्लू, तब होवर पे आएगा ब्लू, ठीक है। तो यहां से मैं ये कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है जी। बॉर्डर का कलर इस बटन का चेंज करना है तो आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर एंड टाइपोग्राफी, ये टाइटल का कलर आपको चेंज करना है, प्राइस का कलर चेंज करना है, रेटिंग का कलर चेंज करना है, ये सेल बैज का कलर चेंज करना है, तो ये सारी चेंज कर सकते हो। से अभी रेड आ रहा है तो से मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, तो ये देखो बैज का कलर चेंज हो गया, राइट। तो यहां से मैं चाहूं तो सारे कलर चेंज कर सकता हूँ, और यहां से मैं कर देता हूँ इसको अपडेट, ठीक है। और यहां से मैं वापस जाता हूं यहां पे एग्जिट टू डैशबोर्ड, और अब मैं वापस जाता हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये रही मेरी वेबसाइट। अभी देखो थोड़ा सा गड़बड़ सा आ रहा है, तो यहां से काम करो, परफॉर्मेंस में आओ और कर दो पर्ज ऑल कैशेस, ठीक है, सही हो गया। अब यहां से अगर ऐड टू कार्ट करोगे तो ये प्रोडक्ट सीधे कार्ट में ऐड हो गया, और यहां से मैं इसको चाहूं तो व्यू कार्ट कर सकता हूं, ठीक है, ये यहां से व्यू कार्ट हो गया, और यहां से मैं चाहूं तो वापस जा सकता हूं। यहां से अगर कोई इसे क्लिक करेगा तो सीधे प्रोडक्ट खुल जाएगा, राइट, पूरा प्रोडक्ट खुल जाएगा, जो भी इसे पढ़ के यहां से वो ऐड कर सकता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल आ गया, हमने सबसे पहले एक मेन बैनर ऐड किया अपने होम पेज पे, देन हमने ये तीन प्रोडक्ट्स ऐड किए, राइट। अब हम नीचे चाहें तो और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसको करता हूं एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, और अगेन प्लस करता हूं और थोड़ा सा स्पेस स्पेस डालते हैं, यहाँ पे स्पेस लिया और यहाँ पे डाला, लास्ट टाइम हमने लिया था 40, उस टाइम हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दोबारा एक नया सेक्शन बनाना है जहाँ पे मैं डाल देता हूँ से लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ शर्ट्स, ठीक है। तो मैं काम कर सकता हूँ, ये जो सेक्शन है इसे ही मैं करता हूँ डुप्लीकेट, और इसको उठा के मैं नीचे स्पेस के बाद यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेक लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ शर्ट्स लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और ये जो सेक्शन था इसको भी करता हूँ डुप्लीकेट,
और इसको उठा के इसके नीचे डाल देता हूं, राइट। अब अगर मैं यहां पे वापस इसे क्लिक करूं, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो देखो रिसेंट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, कुर्ताज एंड सूट, इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शर्ट्स। तो ये ले लिया मैंने शर्ट्स, हरिया की शर्ट्स, ठीक है। और मैं चाहूं तो यहां से क्या कर सकता हूं, इनका कलर चेंज कर देता हूँ। ऊपर वाले का ग्रीन कलर है तो मैं इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ स्टाइल पे और कलर जो है कलर ऐड टू कार्ट पे जाते हैं पहले, और ये ग्रीन है तो सेम है इनको, येलो तो अच्छा नहीं लग रहा, सेम है ये दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ, ये जो कलर है जो भी है ये दे दिया मैंने, है ना। और इस पे बॉर्डर है ब्लू, ये रहने देते हैं। टाइपोग्राफी अगर ऐड टू कार्ट की चेंज करनी है तो वो टाइपोग्राफी भी चेंज कर सकता हूँ। प्रोडक्ट स्टाइल, कंटेंट का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। विथ बॉर्डर टाइप, अगर मुझे चेंज करना हो बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, अभी करने की कोई जरूरत है नहीं, राइट। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब ये सेल वाला भी चेंज कर देते हैं, कलर एंड टाइपोग्राफी, सेल का यहाँ पे ब्लू है तो मैं वापस यही डाल देता हूँ कलर, और इसको कर देता हूँ यहाँ से अपडेट, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और यहां से हम चले जाते हैं वापस एग्जिट टू डैशबोर्ड, और वापस चले जाओ वेबसाइट के ऊपर, ये रही वेबसाइट, ये काफी, देखो यहाँ पे ये थोड़ा ब्लू कलर में नजर आ रहा है, तो यहां से आप इसे करोगे ना पर्ज ऑल कैशेस, तो यहां से सेव हो जाएगा। अगर आपको याद हो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, अभी भी वैसे ही आ रहा है तो एक बार और कर दो कंट्रोल F5 हार्ड रिफ्रेश, अब सही हो जाएगा। अभी भी सही नहीं होगा तो इसको इनकॉग्निटो में देखोगे तो वहां सही हो गया होगा। देखो यहाँ पे सही हो चुका है, अब इसको एक बार इंस्पेक्ट करके इसको हम देख लेते हैं फोन के ऊपर कैसा नजर आ रहा है। ये देखो ये फोन के ऊपर नजर आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सही नजर आ रहा है, एकदम बटन भी सही नजर आ रहे हैं, और ये देखो एकदम फोन पे एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम सही नजर आ रहा है। इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। तो ये ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। अभी कल के लेसन में हम इसको और कस्टमाइज करेंगे, आज के लेसन में हम इतना ही रखते हैं। अगर ज्यादा भी हम कर लेंगे एक लेसन के अंदर तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। आई होप कि अभी तक आपने जितना किया है इसमें आपको कोई डाउट नहीं है और चीजें आपको आसानी से समझ आ रही है। आप देख पा रहे होगे कि कितना ईजी है वेबसाइट बनाना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।